रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी जंग जारी है। इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की ने युद्ध पर विराम लगाने के लिए पुतिन के साथ मुलाकात को जरूरी बताया है, लेकिन पुतिन ने कहा कि शर्तों को मानने के बाद ही मुलाकात संभव है। इन सबके बीच जेलेंस्की के एक लिखित नोट की वजह से पुतिन आग बबूला हो गए हैं। भड़के पुतिन ने उस नोट के जवाब में कहा, कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को नोट लिखकर बिना किसी शर्त के युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा, और ये नोट उन्होंने चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच के द्वारा क्रेमलिन अधिकारियों यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोट पढ़ते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए और उन्होंने अब्रामोविच को कहा कि उसे कह दो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की हमारी सभी शर्तों को मान ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जेलेंस्की ने कहा कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आमने सामने की बैठक युद्ध को खत्म करा सकती है। शांति के लिए युद्ध को अविलंब रोका जाना चाहिए, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों की वार्ता समझौते के करीब पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की की आमने सामने की वार्ता संभव है। आपको बता दें कि तुर्की की पहल पर यूक्रेन और रूस के बीच ये वार्ता हो रही है। रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात कर यूक्रेन में युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया था। एर्दोगन ने कहा था कि वहां पर रूसी सेना से घिरे शहरों में मानवीय सुविधाओं को बेहतर किए जाने की जरूरत है, इससे शांति स्थापित होने की संभावना को बल मिलेगा। रूस के साथ मंगलवार को होने वाली बातचीत के लिए यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल तुर्की के इस्तांबुल पहुंच गया है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता युद्ध विराम होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।